हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि A41 ये देखते हैं इसमें आवयु इक्वल में O, जहां O शून्य आवयु है तो A का मान ज्ञात करो। यहां देखा है इसमें A41 212 102 02 -4 A41 इक्वल में ओ, ओ क्या है यहां शून्य आवयु, ठीक है। तो A41 इनका गुणा कर लेते हैं इसमें 2 into A 2A प्लस 1 into 4 4 प्लस 2 into 1 2 1 into A A 0 into 4 0 प्लस 2 into 1 2 0 into 1 0 2 into 4 8 -4 into 1 -4 इक्वल में 0। तो A41 2A+6 A+2 और यहां पर ये कितने रह गए प्लस के 4 इक्वल में 0। ए का गुणा करते हैं इसमें A into 2A+6 फिर प्लस 4 into A+2 प्लस 1 into 4 इक्वल में O। गुणा कर लो इनका दोनों तरफ, ये आवयु से आवयु हटा देते हैं। तो A into 2A 2A² प्लस 6 प्लस 4A प्लस 8 प्लस 4 इक्वल में 0। तो यहां से A² + 6A+4 10 + 8+4 12 इक्वल में 0। 2 इसमें इस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रहेगा A² + 5A+6 इक्वल में 0। 2 गुना में अगर 0 के बाद में जाके ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या बच गई यहां पर A² + 5A+6 = 0। द्वि का समीकरण बन गई। अब इसके टुकड़े कर लो, गुणा करने पर 6 बनी, जोड़ने या घटाने पर प्लस के 5। तो A² 2 6 2A+3A+6 = 0। अब यहां इसमें से कॉमन क्या रहे ए, ब्रैकेट में क्या रहेगा A+2 + यहां से कॉमन क्या रहे 3, ब्रैकेट में A+2 इक्वल में 0। पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा यहां से A+2, ब्रैकेट में क्या बच गया A+3 इक्वल में 0। पहले A+2 इक्वल 0 रखते हैं, तो A बराबर कितना आ गया -2, एक तो वैल्यू ये आ गई। A+3 इक्वल 0 रखते हैं, तो A इक्वल कितना आ गया -3। तो A के दो मान आ गए -2 और -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवयु A और B की वैल्यू देखी है, A+B² = A² + B² हो तो स्मॉल A और स्मॉल B के मान ज्ञात करो। पहले A+B² की वैल्यू ज्ञात करते हैं। पहले करते हैं इसमें A+B, A की वैल्यू कितनी है 1 -1 2 -1 प्लस A 1 B -1 1 + 1 -1 + 1 2 + B -1 - 1 कितना आ गया ये A+1 0 B+2 और
माइनस के दो, ये हो गया। किसकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी की, हमें क्या चाहिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर चाहिए, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर निकालते हैं इसमें। ए प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस एक जीरो, बी प्लस दो माइनस ए प्लस एक जीरो, बी प्लस दो माइनस। अब इसका गुणा कर लेते हैं, ए प्लस एक इंटू ए प्लस एक क्या हो गया, ए प्लस एक की होल स्क्वायर जीरो इंटू बी प्लस दो जीरो, फिर ए प्लस एक इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू माइनस दो ये भी कितना आ गया जीरो, फिर बी प्लस दो इंटू ए प्लस एक इंटू बी प्लस दो, फिर माइनस दो का गुणा बी प्लस दो के साथ, तो माइनस दो इंटू बी प्लस दो, फिर बी प्लस दो का गुणा जीरो के साथ जीरो, माइनस दो इंटू माइनस दो प्लस के चार, तो ए प्लस एक की होल स्क्वायर जीरो, गुणा कर लेते हैं ए का गुणा बी के साथ ए बी, ए का गुणा दो के साथ दो ए, प्लस एक इंटू बी प्लस एक प्लस दो, फिर माइनस दो इंटू बी माइनस दो बी, माइनस दो इंटू प्लस दो माइनस के चार, और यहां पर कितने आ गई प्लस के चार। अब यहां पर दो ए बी माइनस दो बी यार, तो ये कितना आ गया यहां से ए प्लस एक की होल स्क्वायर जीरो, ए बी प्लस दो ए प्लस बी माइनस दो बी माइनस के बी प्लस दो माइनस चार माइनस के दो, और ये कितने आ गए चार। ए प्लस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले, ए इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है एक माइनस एक, दो माइनस एक, एक माइनस एक दो माइनस, एक का गुणा एक के साथ करेंगे एक, फिर माइनस एक इंटू दो माइनस के दो, एक इंटू माइनस एक माइनस एक, माइनस एक इंटू माइनस एक प्लस एक, दो इंटू दो दो इंटू एक दो, माइनस एक इंटू दो माइनस दो, फिर दो इंटू माइनस एक माइनस दो, माइनस एक इंटू माइनस एक प्लस एक, तो ये कितना आ गया माइनस एक जीरो, दो माइनस दो जीरो, माइनस दो प्लस एक माइनस का एक। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं बी स्क्वायर, अब वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर, तो बी इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है ए एक बी माइनस एक, फिर ए वन बी माइनस, ए का ए के साथ गुणा करेंगे ए स्क्वायर, एक का गुणा बी के साथ प्लस बी, ए का गुणा एक के साथ ए प्लस एक माइनस एक माइनस एक, बी इंटू ए ए बी, फिर माइनस एक इंटू बी माइनस बी, बी इंटू ए बी माइनस एक इंटू माइनस एक प्लस का एक, ये किसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। अब इक्वल निकल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक जीरो जीरो माइनस एक प्लस बी, बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस एक ए बी माइनस बी बी प्लस ए, बाकी इसको करते हैं।
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ये फिर 0 प्लस ए माइनस ए, फिर 0 प्लस ए बी माइनस बी, फिर माइनस एक प्लस बी प्लस एक। सोल्व करते हैं इसको आगे, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, ए माइनस वन, ए बी माइनस बी, बी ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से क्या दिया उसने, अब हमें दे रखा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस ए की होल स्क्वायर 0, ए बी प्लस 2a माइनस बी माइनस 2 और 4 इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस वन, ए बी माइनस बी और बी। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहां इसमें वैल्यू ये दी हुई है, यहां ए और बी है ही, तो संगत अवयवों की, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करते हैं तो ए माइनस एक इक्वल 0, तो ए इक्वल कितना आ गया प्लस का एक, और बी इक्वल यहां से कितना आ गया 4। ये ए और बी की वैल्यू है।